हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है दोस्तों, वो टाइम एंड वर्क पर होने जा रहा है और ये दोस्तों टाइम एंड वर्क पर पार्ट 7 है और इस सेशन में हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन 35 करेंगे। यदि चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। तो हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड, समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या हो रहा है। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 काम हो पाया, तो समय पर काम पूरा हो जाने के लिए वह कितने लोगों को काम पर लगाएगा, यह हमें निकालना है दोस्तों। तो फिर से समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार है जो 90 दिनों के लिए प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को लगाता है। यानी ओरिजिनल जो हमारा डे है, ओरिजिनल डे कितना है हमारा, ओरिजिनल जो डे है दोस्तों वो कितना है हमारा, तो 90 दिन है, ये याद रखिएगा। और जो हमारा वर्कर है वो कितना है हमारा, तो 60 है। तो 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 ही भाग काम हो गया है, तो समय पर पूरा काम हो जाने के लिए वह कितने लोगों काम पर हटा देगा, ये हमें निकालना है दोस्तों। जब भी इस तरह का आपको दिखे क्वेश्चन तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, M1 MDH कॉन्सेप्ट। क्या होता है दोस्तों, MDH कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है आपका, ठीक है। तो M1 D1 H1 बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2, और अगर इफिशियंसी भी दिया रहेगा तो यहाँ इफिशियंसी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है और इसको बोलते हैं दोस्तों MDH कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट दोस्तों ये प्रश्न हमारा है, कैसे इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे वो सीखिएगा। तो एक ठेकेदार है जो 90 दिनों में प्रोजेक्ट समाप्त करने ठेका लेता है और इसके लिए वो 60 लोगों काम पर लगाता है, तो 60 लोगों काम पर लगाता है यानी M1 कितना हो गया, जो पहला हमारा कंडीशन है उसमें 60 लोगों काम पर लगाता है, M1 कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ कितना दिन, 60 दिनों के लिए, तो गुना 60। कितना काम होता है दोस्तों, तो 3/4 काम होता है, यानी वर्क कितना होता है, W1 कितना है, तो 3/4 काम होता है। तो अब बचा कितना काम, टोटल 4 काम है, 3 काम हो गया, तो बचा कितना काम, तो 1/4 काम बच गया। तो यहाँ W2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब बोल रहा है कितने आदमी को हम हटाएंगे वो हमें निकालना है, तो कितने आदमी को हटाएंगे वो निकालना है आपको। तो मान लेते हैं कि X आदमी काम कर रहा है, कितना आदमी काम कर रहा है, X आदमी काम कर रहा है। अभी हम टोटल नंबर ऑफ M2 है, टोटल पर्सन निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो टोटल हमारा आदमी है वर्कर 60, उससे हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रिमेनिंग निकल के आ जाए कितना हटाना पड़ेगा हमको आदमी को, तो X हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, वह जो काम को अपने एथी में काम पूरा करे, इसके लिए वो कितने लोग काम पर लगा सके, समय पर काम पूरा हो जाए। तो काम पूरा होना कितना है, 90 दिन में होना है, यहाँ 60 दिन हो गया, तो बचा कितना दिन, 30 दिन बचा। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से क्रॉस में कर दीजिए, तो 60 × 60 देखिए 30 से 60 दो बार में, ठीक है, और 3 से 60 20 बार में, यानी एस का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। यानी 40 आदमी है जो 30 दिन तक काम कर रहे हैं, तो हमारा काम 1/4 जो बचा हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बोल रहा है कितना आदमी को हटाया, ओरिजिनल वर्कर कितना था दोस्तों, 60 था, अब कितना काम है, 40 काम कर रहा है, तो कितना आदमी को हटाया, तो ओरिजिनल में से 60 में से 40 को हटा देंगे तो हाँ निकल जाएगा कि 20 आदमी को हटाया गया है। कितना आदमी को हटाया गया दोस्तों, तो 20 आदमी को हटाया गया है, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। और ये प्रश्न दोस्तों हमारा SSC CGL Tier 1 2007 में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला था। एक ठेकेदार 90 दिनों के लिए प्रोजेक्ट पर लेता है, तो ओरिजिनल डे कितना हो गया, 90 हो गया, वर्कर कितना, 60 है। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है कि 60 आदमी है जो 60 दिनों काम करते हैं, तो काम कितना समाप्त होता है, 3/4 होता है, 60 × 60 / 3/4 हो गया। अब कितना आदमी को हटाया जाए कि काम हमारा जो 90 दिन था उसमें पूरा हो जाए, तो 60 दिन यहाँ हो गया, तो बचा कितना, 30 दिन, तो 1 × 30 / 1/4। अब एस का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 40 आ गया, यानी 40 आदमी काम कर रहे हैं, तो कितना आदमी को हटाया गया, ओरिजिनल वर्कर कितना था, 60 था, इसमें 40 आदमी काम कर रहे हैं, यानी 60 में 40, यानी 20 आदमी को हटाया गया, ये आपका आंसर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम रुका रहा, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी यह हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। क्या बोल रहा है कि 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक काम किया, यानी ओरिजिनल जो हमारा है आदमी, यानी वास्तविक जो आदमी है, ओरिजिनल यहाँ ओरिजिनल मैन लिख लीजिए, वो कितना है हमारा, तो ओरिजिनल मैन है वो आपका 60 है और ओरिजिनल डे कितना है हमारा 250 है। इसको दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा पहले बार में, तो ये कितना होगा 250 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उन्होंने 200 दिन तक एक साथ काम किया, किसने, तो 60 आदमी है जो 200 दिन तक काम किया, तो 200 × 60 हो गया। ये जो प्रश्न दोस्तों ये वाला, ये भी MDH कॉन्सेप्ट पे है आधारित, ठीक है, तो 200 × 60 हो गया। ये किस पे है दोस्तों, तो MDH कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। तो MDH कॉन्सेप्ट में क्या था, M1D1H1E1W1=M2D2H2, तो मैंने आपको बता रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है बटा में। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 200 कितना आदमी है, तो 250 आदमी थोड़ी ना, अब कितना है 200 आदमी है जो 60 दिन काम करता है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो कितना काम समाप्त हो गया ये कैसे निकालेंगे, कितना वर्क हुआ W1 कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कितना आदमी है दोस्तों, तो टोटल हमारा 200 टोटल कितना दिन था 250 दिन था, जिसमें से 200 दिन हो गया। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको टोटल कितना था ओरिजिनल डे कितना था हमारा, तो 250 था, ठीक है, और कितना काम हो चुका है, कितना दिन काम हो चुका है 200, बस आपको 200/250 कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, वर्क निकल गया कितना काम हो चुका है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 5×20=25, यानी 4/5 काम हो चुका है, यानी टोटल अगर 5 काम है दोस्तों तो काम हो चुका है, 4 काम हो चुका है, यानी 4 लिख दीजिए, टोटल कितना काम है 5 काम है। देखिए फिर समझिए दोस्तों कैसे करना है, आपको बोल रहा है कि ओरिजिनल आदमी 60 है, ओरिजिनल डेज कितना 250 है। अब एक ओरिजिनल क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 दिन तक आदमी 60 आदमी काम करते हैं, क्या बोल रहा था कि उन्होंने 200 दिन तक एक साथ काम किया, किसने, 60 आदमी 200 दिन तक काम किया, तो 200×60 लिख दिए, MDH कॉन्सेप्ट पे है, बट अब हमें W1 निकालना है, वर्क निकालना है, तो इसको 4/5 लिख सकते हैं, तो 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना अब बराबर में। अब हमें वर्क निकालने के लिए, तो हमारा M1 हो गया, ये क्या हो गया M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये क्या हो गया W1 हो गया। W1 निकालने के लिए क्या किया, आपको जो डेज था 200 दिन तक काम किया, तो 200/250 कर दिए, कितना काम किया 200 दिन काम किया, कितना था 250 था, यानी ओरिजिनल जो डेज है उसे कंपेयर कर दिए, तो कितना काम हो गया 4/5 काम हो गया, तो बचा कितना हमारा काम 1/5 काम बचा, यानी W2 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कितना आदमी को बढ़ाया गया, तो 10 दिन तक काम रोक दिया जाता है, कितना दिन तक काम रोक दिया जाता है, तो 10 दिन तक काम रोक दिया जाता है आपको। तो बोल रहा है दोस्तों कि काम समय पर काम समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, तो 60 आदमी काम था, तो 60+X अगर करते हैं इतना आदमी आवश्यकता होगी। अब डेज में क्या करें दोस्तों, ये 60 हो गया, ये सॉरी ये 200 हो गया, ठीक है, ओरिजिनल डेज कितना था 250 था, और 10 दिन रेस्ट ले लेता है, तो बचा कितना हमारा दिन 4 दिन बचा। देखिए 200 दिन ये हो गया और 10 दिन रेस्ट ले लेता है, 200 और 10 हो गया, तो टोटल 250 दिन है, तो 40 और होगा, यानी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा × 40, तो आपका आंसर आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया आपका, सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा, अगर 4 से कैंसिल आउट करते हैं ये कितना हो गया 4×20=50 बार में, तो 60×50 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3000 आएगा, तो 3000 बराबर 6×24=20 + 40x, ये 3000 ये 24, तो कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो 600, तो 600 बराबर में 40x, x बराबर कितना होगा, तो 600/40, यानी कितना आएगा दोस्तों, तो 15 आएगा, यानी 15 आदमी को क्या किया गया दोस्तों, और इंक्लूड किया गया, जोड़ा दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाना था। देखिए 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं, यानी ओरिजिनल मैन कितना है 60 है, ओरिजिनल डेज कितना है 250 है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है कि उन्होंने
200 दिन तो एक साथ काम किया, किसने? 60 आदमी था, 60 आदमी है जो 200 दिन तक काम करते हैं, तो 60 में 200 यहाँ पर साइन में होगा। अब हमें W1 निकालना है, वह कैसे निकलेगा? टोटल जो हमारा ओरिजिनल डेज था वो 250 था, लेकिन 200 आदमी 200 दिन तक काम हो चुका है, तो 200 बटा 250 की यानी 4/5 को काम हो चुका है, तो 4/5 यहाँ लिख दिए। अब जो रिमेनिंग कितना है? 1/5 हो गया, टोटल 4/5 था, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 1/5 हो गया। अब हमें निकालना है कितना आदमी और इंक्लूड हुआ, तो 60 आदमी ओरिजिनल था, तो 60+X हो गया, कितना आदमी X का वैल्यू निकालना है, 60+X हो गया। अब बोल रहा है दोस्तों कि 10 दिन है जो रेस्ट लेता है, तो 200 दिन यहाँ हो गया और 10 दिन यहाँ हो गया, और हमें काम पूरा करना है जो काम दिया, जो टाइम दिया गया उसमें 250 दिन में, तो 200 दिन हो गया, फिर 10 दिन रेस्ट लेता है, तो बचा कितना दिन? 40 दिन, तो गुना 40 कर दिए। अब सॉल्व किए तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया, यानी 15 आदमी को और हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, 15 आदमी और अतिरिक्त लगाना पड़ेगा, तो काम हमारा समय पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आएगा कैसे इसको हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 33 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो एक नए कॉन्सेप्ट पर प्रश्न दोस्तों, पहले प्रयास किया बनाने का, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स समय से साफ हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म होगा ये हमें निकालना है। यानी दोस्तों ये अल्टरनेट डेज वाला प्रश्न है हमारा, टाइम वर्क का। तो ए है जो कितना दिन काम करता है, तो ए है जो आपका 12 दिन में टोटल काम कर लेता है, और बी है जो 18 दिन में पूरा काम कर लेता है। सबसे पहले क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 18 कैल्सियम यानी 36 होगा। उसके बाद आपको इफिशियंसी यानी कार्यक्षमता निकालना है। इफिशियंसी कैसे निकलता है? टोटल वर्क बटा टाइम। टोटल वर्क कितना? 36, 36/12 3 हो गया, और 36/18 2 हो गया। यानी ए है जो एक दिन में 3 काम करता है, बी है जो एक दिन में 2 काम करता है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला दिन यानी फर्स्ट डे कौन कर रहा है? ए कर रहा है, और सेकंड डे कौन कर रहा है? बी कर रहा है। फिर थर्ड डे कौन कर रहा है? ए कर रहा है। फिर फोर्थ डे कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है। इस तरह से दोस्तों कंडीशन हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर 2 दिन पे क्या हो रहा है? काम है जो रिपीट हो रहा है, यानी ए बी यानी 2 दिन में कितना जो काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों? 2 दिन में, तो पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, यानी 3, 2, 5 काम हो रहा है। काम करना कितना है? 36 करना है। तो आपको क्या करना होगा, 36 से पहले देखिए कि ये 5 वर्क है, तब देखिए 36 से कुछ कम देखिए, तो 36 से कम क्या होगा? 35 होगा। अगर 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 14 दिन में दोस्तों 35 काम हो गया। कितना काम हो गया 14 दिन में? तो 14 दिन में 35 काम हो गया। हमें काम कितना करना है? 36 करना है। तो 15 दिन दोस्तों कौन काम करेगा आपका? तो 15 दिन कौन काम करेगा? ये पहला, दूसरा, 14 दिन में बी काम करेगा, तो 15 दिन में कौन करेगा दोस्तों? ए करेगा। यानी हमारा जो आंसर होगा, ये टोटल 14 दिन हो गया, 14, और कितना काम करना है दोस्तों? एक काम करना है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। अब कौन काम कर रहा है 15 दिन? ए काम कर रहा है, तो काम करना कितना है? एक काम। लेकिन ए है जो एक में कितना काम करता है? कितना है? 3 काम। यानी यही आपका आंसर हो गया, 14 whole 1/3 डेज आपका आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों आपको बनाना है, फिर से समझते हैं दोस्तों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ए 12 दिन, बी 18 दिन, टोटल वर्क 36 हो गया, इफिशियंसी निकाल दिए, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? अल्टरनेट डेज, यानी पहला दिन ए, सेकंड दिन बी, फिर ए, फिर बी, तो 2 दिन में देख रहे काम रिपीट रहा है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 36 काम है, तो 35 काम कितना दिन में हो गया? 14 दिन में हो गया। तो 15 दिन कौन करेगा? ए करेगा, लेकिन पूरा तो काम दिन में करेगा नहीं, तो सिर्फ एक काम करना है, लेकिन करता कितना है? एक दिन में 3 काम करता है, तो 14 दिन पूरा। और देखिए मेनली होता क्या है दोस्तों, ये समझिएगा, 14 दिन पूरा हो गया, अब 15 दिन में क्या हो गया दोस्तों? अगर ये पूरा काम करता तो 3/3 1 हो जाता, यानी 15 दिन हो जाता, लेकिन करना कितना है? सिर्फ एक ही काम करना है, एक को, तो वही 1 टोटल कितना करता है? 3, यानी 1/3 काम करना है। यही दोस्तों आंसर हो गया, 14 whole 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 14+1/3 चाहे 14 whole 1/3, दोनों बात बराबर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास के क्वेश्चन को बनाने का। तो फ्रेंड्स समय से साफ हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। ए है जो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है,
जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करे, उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में खत्म करेंगे, ये हमें निकालना है दोस्तों। इस तरह का जब भी प्रश्न देखे तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा, यहाँ ए है, दो आदमी है, ए और बी आदमी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी बी है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एक जानते हैं टोटल वर्क का फॉर्मूला। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज और घंटा में दिया गया तो घंटा भी दे सकते हैं इनटू हावर। ये दोस्तों होता है टोटल वर्क फॉर्मूला, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू डेज इनटू आवर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी ए है, जो कि ए है जो कितना घंटा काम करता है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके वह कितना दिन साथ काम करता है, 6 दिन काम करता है। तो ए गुने 7 गुने 6 ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब बराबर में अब जो बी है वो उतने ही घंटे यानी 6 घंटे सॉरी 7 घंटे है ना, उतने ही घंटे यानी 7 घंटा इंटू 7 लिख लीजिए। अब गुना में कितना है दोस्तों, 8 दिन में, तो गुना 8। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 6 बचा, तो द्वितीय 6 द्वितीय को 8 यानी 3A बराबर कितना हो गया हमारा, 4B हो गया। अब A रेशो B निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। A कितना हो गया, 4 हो गया और B कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 4 से 3 क्या हो गया दोस्तों, एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, ये हमें निकालना है दोस्तों। तो इस तरह का जब भी आपको दिखे आपको तो बहुत ही आप आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। अब क्या करना है आपको, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। अब ए और 7 है और 6 है, कितना दोस्तों, ए है जो 7 और 6 एफिशिएंसी निकल के आया, ए 4 का, ए 4 एफिशिएंसी आ गया, बी 3, यानी ए एक दिन में 4 काम करता था, बी एक दिन में 3 काम करता है, ये समझ में आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो काम हमारा कितने दिन लगेगा, ये हमें निकालना है दोस्तों। इस तरह जब भी आपको रहे तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, समझिए दोस्तों कैसे बनाना है। तो कितना हो गया, ए अगर 4 है तो 4 × 7 × 6 ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, टोटल वर्क निकल के आया। क्या निकल के आ गया हमारा, ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। चाहे दोस्तों आप इसमें भी पुट करिएगा तो वैल्यू सेम आएगा। देखिए 7 × 28 कितना होता है, तो 148 होता होगा शायद, 168 होता है, ठीक है। अगर यहाँ भी हम 6 रखते हैं, सॉरी यहाँ भी अगर 3 रखते हैं तो 21 कितना होगा, 8 × 16 हो गया। यानी टोटल वर्क क्या होगा, जो बराबर आएगा, चाहे ए का वैल्यू पुट कीजिए इसमें, चाहे बी का इसमें वैल्यू पुट कीजिए, टोटल वर्क हमारा आ गया, ये टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी दोनों क्या लेते हैं दोस्तों, 8-8 घंटा लेते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर यानी ए और बी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, ये हमें निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे 8A से प्लस में 8B से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये टोटल वर्क है और ये क्या है हमारा, ये हमारा एक दिन का वर्क हो गया। यानी दोनों 8-8 घंटा करते हैं ए और बी, अगर 1 डेज वर्क निकाल लें टोटल वर्क से, 1 डेज वर्क को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, टोटल टाइम जो लग रहा है ए और बी के द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वो निकल के आ जाएगा। ये बात दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, ये टोटल वर्क हो गया और ये एक दिन का वर्क हो गया, तो टोटल वर्क बटा एक दिन का वर्क क्या निकल के आ जाएगा, टोटल टाइम निकल के आ जाएगा जो कि ए और बी दोनों ले रहे हैं 8-8 घंटा प्रतिदिन काम करके। तो कितना आएगा दोस्तों, ये हमारा 4 × 7 × 6 ही रहता है, ठीक है, 8 है, ये 8 कितना हो गया हमारा, 8 ए का वैल्यू कितना है, 8 × 32 हो गया, 32 और प्लस में कितना हो गया 24, ये 32 और 24 कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 56 हो जाएगा, तो यहाँ 56 लिख दीजिए। तो 7 × 8 = 56 और 4 × 2 = 8 और 2 × 6 = 3 में, यानी जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया हमारा, 3 घंटा दोस्तों आपका आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया, 3 घंटा। तो एक बहुत समझ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा, और ये प्रश्न हमारा SSC सिलेटर 2008 में पूछा चुका है। तो समझिएगा दोस्तों, ए है जो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है, तो मैंने आपको बताया एक एफिशिएंसी ए है, बी का एफिशिएंसी बी है, तो एफिशिएंसी गुने टाइम गुने आवर क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ए गुने 7 × 6 बराबर बी गुने 7 × 8, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक एक जो घंटा है वो समान है, 7 घंटा 7 घंटा हो गया, तो कैंसिल आउट किए तो ए और बी का ये क्या निकल के आएगा, एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब क्या करना होगा आपको, किसी एक इक्वेशन को चूज किए, इसको चूज कीजिए, इसको चूज कीजिए, तो वैल्यू को पुट करेंगे क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 4 × 7 × 6 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि ए और बी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, यानी 8A
यानी ए है जो 8 घंटा काम कर रहा है और बी भी 8 घंटा काम कर रहा है, 8 भी हो गया, दोनों एक साथ यानी कंबाइन है, एक साथ काम कर रहे हैं तो प्लस कर दिए। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया आपका एक दिन का निकल के आ गया कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वे लोग। अब टोटल वर्क बटा एक दिन का वर्क करेंगे हम लोग तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, टोटल टाइम निकल गया कितना टाइम लग रहा है। तो 3 घंटा सॉल्व किया इसको तो 4×7×6 बटा में 8 है, ये कितना है हमारा 4 है, आज को 32 हो गया और 32 प्लस में कितना 24 हो गया तो 56 हो गया। 4×7×6 = 56 सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया हमारा 3 दिन आ गया, यानी आंसर कौन सा है दोस्तों, ए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 34 था। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 35 पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 35 करने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास के क्वेश्चन को बनाने का। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या हो रहा है। प्रश्न दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट पे है, एमडीएच कॉन्सेप्ट पे। यदि 28 पुरुष 7/8 भाग को एक सप्ताह में खत्म करते हैं तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान है, क्या करना होगा आपको, 28 पुरुष यानी M1 कितना हो गया 28 हो गया और 7/8 यानी जो हमारा W1 हो कितना हो गया 7/8 हो गया, इन टोटल कितना 8 काम है, 7 काम हो चुका है तो बचा हुआ कितना काम है 8/8 काम है। अब हमें क्या निकालना है, जो 28 पुरुष है जो एक सप्ताह में काम करता है तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए यानी बचा हुआ काम मान लेते हैं कि 1/8 है, उसको भी कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, एक पुरुष की आवश्यकता होगी और कितना सप्ताह में करने के लिए, एक सप्ताह में करने के लिए गुना 1 हो गया। देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, M1 गुना में डेज हो गया, D1 वीक 1 वीक हो गया बटा W1 बराबर M2 गुना D2 बटा W2। इसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न हमारा है, क्या बोल रहा है कि 28 आदमी है जो एक सप्ताह काम करते हैं तो 7/8 काम होता है तो जो बचा हुआ काम है उसको एक सप्ताह में करने के लिए गुण 1/8 काम बचा हुआ है, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी यानी M2 एक आदमी की आवश्यकता होगी जो कि एक सप्ताह में काम करेंगे तो 1/1 हो गया। अब सॉल्व करें तो 8/8 कैंसिल आउट हो गया, अब 7 से 28 4 बार में यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 4 यानी 4 आदमियों की आवश्यकता होगी, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था और ये प्रश्न हमारा SSC सेल टायर 1 2008 में पूछा चुका है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जो आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज प्रश्न किए हैं टाइम वर्क पर ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद वंदे मातरम।